तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं आया हूँ अभी चिचेस्टर में, एक म्यूजियम है कैटरल करके, वहाँ घूमने के लिए आया था। दिन अच्छा था, मौसम अच्छा था, इसके लिए मैं बोला चला निकल जाता हूँ, तो अच्छा है। आज भीड़ है और मेरा जाने का प्लान है म्यूजियम में, देखते हैं वहाँ पे कैसे पब्लिक होता है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है, इसी तो यही से जाते हैं हम लोग। अभी टाइम हो गया, अभी शाम का पता नहीं, शाम को यहाँ पे लोग चर्च में जाते हैं क्योंकि फ्राइडे है आज, तो वहाँ से उसका एंट्री आगे से है, तो आगे से ही जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसा है क्या नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत लोग है हर जगह पे, क्योंकि आज फ्राइडे के हिसाब से थोड़ा टाउन में लोग है। मैं टाउन से मैंने एंट्री किया है, उसका एंट्री आगे से भी है, वहाँ पे पार्किंग वगैरह आपको मिल जाएगा गाड़ी लेके आएगा तो। और दूसरी बात के स्कूल भी छूट गया लगता है, सब बच्चे स्कूल के दिख रहे हैं हर तरफ, तो क्या है थोड़ा क्राउड हो जाता है टाउन में भी। और बस वाला कहाँ से जा रहा है, बस आ गए यहाँ से, मेरा मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ पैदल चलना है, यहाँ बस आ गई, तो देखते हैं कैसा है अंदर। अभी यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी था, तो वहाँ पे थोड़ा मैंने पढ़ा, इंक्वायरी किया नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो भाई मेरा भी थोड़ा वीक है, इसके लिए सब स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। और दूसरी बात के आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब दिन बहुत अच्छा था, विंटर का टाइम भी थोड़ा सनशाइन था, इसके लिए मैं बोला चलो आज निकल जाता हूँ बाहर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और थोड़ा दूर था वो, सॉरी, लंदन से थोड़ा दूर है, लंदन में अगर आप आ रहे हो ट्रेन से तो ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास है, बट इजी है, सीधा आपको करना पड़ेगा। जो यहाँ का जो एड्रेस वगैरह है, जो जगह का नाम है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो। बड़ा अच्छा है, देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इजी है टूरिस्ट के लिए। इस तरफ म्यूज़ियम में हम लोग जाएंगे अभी, म्यूज़ियम का एंट्री यहाँ से है, क्योंकि मैं जो आया था वो टाउन सेंटर था, वो पीछे से था, तो यही से उसका एंट्री है। यहाँ पे ऐसी स्टैचू है सेंट रिचर्ड्स करके, ये उसका स्टैचू आप मेरे देख सकते हो, बहुत शानदार है। तो भाई आज यहाँ का थोड़ा प्लान बनाया, और मेरे को दूसरी बात है कि दूसरी जगह, दूसरा जो उसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था अरुणडेल कासल का, वो तो वीडियो में कुछ था तो नहीं, बट ऐसे ही मैं चला गया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे मेन जो चीज़ देखनी थी वो वहाँ पे कास्टल था, बट वो जो कास्टल है वो बंद था, मतलब वो सीज़न पूरा बंद है उसका, तो वो खुलेगा अभी अगले साल 2023 में अप्रैल में, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने बोर्ड लगाया था, उसमें देखा मैं, तो उसके लिए कुछ खास नहीं था, पर मैं डालू कि नहीं डालू ऐसा सोच रहा था वीडियो भी, बट इट्स फाइन, अभी थोड़ा डाल लिया है। उसी साइड में आया हूँ मैं, या दैट्स ब्यूटीफुल प्लेस, या म्यूजियम है, देखता हूँ अंदर जाके क्या है कुछ, यहाँ से उसका एंट्री है। तो भाई ये है, बहुत ही शांत लग रहा है, लेकिन ये कुछ उन लोगों ने कुछ जीसस लॉर्ड है ना, जो उसके भगवान है, उसका कुछ कार्यक्रम है,
ये देखिए यहाँ पे चर्च, मतलब चर्च और म्यूजियम साथ में कर दिया है इन लोगों ने। ये देखिए मेरी तरफ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत लाजवाब। देख सकते हो जो जो कांच है वो एकदम कलरफुल में है। वो मतलब एंट्री फी तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बट मैं यहाँ पे आ गया है तो डोनेशन आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी सबसे कुछ भी चैरिटेबल। ये देखिए यहाँ पे कुछ कैंडल्स भी जलाए हुए हैं, कुछ प्रे कर सकते हो आप यहाँ पे। छत देखो कितनी ऊंची है मेरे ऊपर। कुछ टॉम जैसा है यहाँ पे, लगता है उसका कुछ मरम्मत चल रहा है अभी, मरम्मत क्योंकि बाहर से पूरा अभी जाली में पूरा ये करके रखा है उन लोगों ने और मरम्मत चालू है। कुछ इवेंट्स वगैरह आपको करना है, कुछ मैरिज के लिए बुक करना है तो आप कर सकते हो ये हॉल। ये देखिए बहुत शांति है, इतनी शांति है कोई भी नहीं है। ये लगभग यहाँ पे लिखा है 1830 में बना हुआ है, रोमन लोग ने बनाया था उसको, मतलब जो रोमन के ज़माने का है, 1830 का बना हुआ है ये। और बस लोग देखने के लिए आते हैं कुछ भी, उन लोग का बहुत मेमोरियल चीज़ है यहाँ के, यहाँ पे मतलब उन लोगों ने चर्च भी बना दिया है तो आप आ सकते हो यहाँ पे देखने के लिए। अट्रैक्टिव भी है, अभी तो मैं तो अंदर हूँ अभी, ये बाहर जा भाई आके थोड़ा चर्च में अभी लोग बैठे हैं कुछ, तो मैं अंदर तो नहीं जा पाया लेकिन बाहर से ही आपको यहाँ से ही वीडियो शूट हो जाएगा। और तो सब लोग जो है मतलब अभी चर्च में बैठे थे तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा कि मैं नहीं गया उधर। यहाँ पे एक शॉपिंग जैसा है, यहाँ की जब चीज़ें रहती हैं पुरानी वो सब सेल करते हैं यहाँ पे, वो है एक यहाँ पे बीच में चर्च है, आप बैठ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि अपने मुझे तो कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं है कुछ, लेकिन ऐसे बाहर से थोड़ा प्रे कर लिया। और अभी आज फ्राइडे है, इसके लिए अभी होगा चर्च, अभी शायद लोग आने चालू हो रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अभी सब लोग टाइम हो गया अभी आने का, इसके लिए सब आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं उस तरफ जाते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा सेटअप है उसका, और ये यहाँ पे भी है। अच्छा है बट क्वाइट प्लेस है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत कुर्सियाँ वगैरह लगाई हुई है। यहाँ से भी आप आ सकते हो, यहाँ से भी आप आ सकते हो। अभी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ क्योंकि इतना क्वाइट है, लोग नहीं दिख रहा है, तो बाहर भी जाया जाए बाहर यहाँ से। ये कुछ उसकी मूर्ति वगैरह है, छठ का साइज देख लो भाई। तो बाहर जाने का टाइम हो गया अभी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर अभी जाने का टाइम हो गया बाहर, मैं पहुंच गया अभी गार्डन में, म्यूजियम में तो अभी चर्च का टाइम हो गया था, मतलब अभी प्रे का टाइम हो गया था सॉरी। और उन लोगों ने क्या है चर्च और दोनों साथ में कर दिया है, आपका अगर कोई क्रिश्चियन लोग अगर शादी वगैरह करना चाहते हो तो उसमें सब अरेंजमेंट करके देते हैं वो लोग। तो प्रे का टाइम हो गया था तो लोग अभी आना चालू हो गया था, तो थोड़ा क्वाइट था उसके लिए मुझे जाने को वो नहीं हुआ, तो मैं आगे भी आ गया। उसका ही पार्ट है, ये भी म्यूजियम का एज पार्ट है। मैं अभी आ गया हूँ बिशप्स गार्डन करके है, बिशप्स गार्डन वगैरह कुछ उसका नाम है, वो भी कोई राजा था। तो उसके पीछे देख सकते हो वो जो म्यूजियम चर्च है, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो अभी ये उसका पार्क है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ठीक है, अभी अच्छा है, बहुत बड़ा भी है क्योंकि बहुत आगे टाउन से अगर आप आ रहे हो तो
पूरा चल के आना पड़ेगा, लगभग पूरा एक दो डेढ़ माइल के अंदर उन लोगों ने पूरा सेटअप किया हुआ है। बट ये गार्डन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। पीछे आप देख रहे हो वो जो म्यूज़ियम था, हम लोग जो जहाँ गए थे वहाँ पे हम लोग जाके अभी आए। और ये पार्क है, यहाँ पे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर आप आ सकते हो, घूम सकते हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। अभी विंटर का टाइम है इसके लिए, अभी पेड़ तो अभी सब देख सकते हो, जो पेड़ है वो सब अभी उसका जो लीफ है वो सब नीचे हो रहा है, अभी देखो सब गिर रहा है। ये देखो ये कौन सा पेड़ है, देख सकते हो आप पूरा, उसको छूना भी थोड़ा डेंजर है क्योंकि कांटा जैसा है पूरा, बहुत आकर्षित पेड़ है। ये देखो इस पेड़ का पत्ता पूरा येलो हो गया। देखा अभी थोड़ा टाइम के लिए सिर्फ धूप निकला, बाकी वो भी वैसा ही हो गया वापस। मुझे लगा कि आज पूरा दिन धूप होगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा व्लॉगिंग में, क्योंकि व्यूज़ अच्छे दिखते हैं धूप रहेगा तो। बाकी तो अभी तो डार्क जल्दी बहुत हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी डार्क हो जाता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो यही था आज का प्रोग्राम, ठीक था। अभी ये यहाँ पे उसका नाम है बिशॉप्स गार्डन, प्लेस गार्डन। तो यहीं पे अभी वीडियो स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं अगली जगह पे, खूबसूरत जगह पे, खूबसूरत लोगों के साथ। यही तो है ट्रैवल का मज़ा, बने रहिएगा मेरे साथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं अभी अगली जगह पे, इस जगह का नाम और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, अगर कोई आना भी चाहता है तो इजीली फाइंड आपको कर सकता है। सी यू गाइस, मिलते हैं फिर से, थैंक यू।